ब्यास के सेकंड हार्ट स्कूल में नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार का मामला अभी ठंडा नहीं हुआ कि अब जलंधर के देहाती इलाके गुराया के एक नजदीकी गांव से इंसानियत को शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है, जहां पर एक 14 वर्षीय नाबालिग लड़की से समय बलात्कार हो गया जब वो अपनी दादी के साथ गाँव में ही जागो समारोह में शिरकत करने के लिए गई थी। पुलिस को दी शिकायत में नजदीकी एक गाँव की लड़की ने बताया कि वो अपनी दादी के साथ जागो समागम में शिरकत करने के लिए गई थी, जहां से बहला फुसला कर एक युवक उसे वहां से ले गया और उसके साथ बलात्कार जैसी घिनौनी हरकत कर दी। इतना ही नहीं, परिजनों की माने तो उक्त युवक ने लड़की के परिवार वालों से मारपीट कर उन्हें डराया धमकाया भी। वहीं इस संबंध में जब थाना प्रभारी केवल सिंह से बात की गई तो उनका कहना है कि आरोपी युवक मनप्रीत पुत्र कुलदीप कुमार वासी गड़ा फिलौर पर मामला दर्ज कर अगली कार्रवाई शुरू कर दी गई है। गुराया से हलचल टुडे के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। हाँ जी भाई, मिते 2012 गुराया के नजदीक पिंड एक नाबालिग लड़की नाल बलात्कार होया, जिससे मुकदमा नंबर 249/21/12 अंडर सैक्शन 376/4 इस किराया दर्ज रजिस्टर करके दोषी की भाल की जा रही है।